लॉकडाउन के बीच राजस्थान में शराब महंगी, सरकार ने आबकारी शुल्क बढ़ाया। लॉकडाउन के बीच ही राजस्थान सरकार ने शराब महंगी कर दी है। राज्य सरकार को लॉकडाउन की वजह से राजस्व का भारी नुकसान हो रहा था। हालांकि फिलहाल तो राज्य सरकार को इसका फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि अभी तो शराब बिक्री पर रोक है। लॉकडाउन खुलने के बाद ही राज्य सरकार को इसका फायदा मिलेगा और लगता है कि राज्य सरकार ने लॉकडाउन खुलने से पहले राजस्व की बढ़ोतरी की पूरी तैयारी कर ली है। भारी राजस्व की हानि का सामना कर रही सरकार ने शराब पर आबकारी शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी में 10% तक की बढ़ोतरी की है। कोरोना संकट, सीएम अशोक गहलोत ने कहा ज्यादा जांच हो रही है ताकि कोई मामला छिपा ना रहे। मामले बढ़ने से घबराने की जरूरत नहीं है। राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़ने के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके चलते किसी भी किस्म के डर की आशंका को खारिज करते हुए कहा कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा जाँच की जा रही है ताकि कोई भी मामला छिपा ना रहे। गहलोत ने यह भी कहा कि कोरोना संकट के कारण राज्य के राजस्व में भारी कमी आने का अंदेशा है और GST यानी माल व सेवा कर बकाया वापस करने सहित उनकी सरकार की कई मांगों पर केंद्र सरकार ने अब तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि लिए जा चुके 98,000 कोरोना सैंपल, प्रतिदिन 6,500 की क्षमता विकसित। राजस्थान के चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल लेते हुए उनकी जांच करवाकर ही हम कोरोना को मात देने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तक प्रदेश में लगभग 98,000 से ज़्यादा सैंपल लिए जा चुके हैं और 6,500 से ज़्यादा जाँचों की क्षमता विकसित की जा चुकी है। देश भर में इतने व्यापक स्तर पर सैंपल लेने वाला और जाँच करने वाला राजस्थान अग्रणी प्रदेश है। राजस्थान में 86 नए मामले सामने आए, जयपुर का हाल है बुरा। राजस्थान में COVID-19 के 86 नए मामले सामने आने के साथ ही कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बुधवार सुबह बढ़कर 2524 हो गई है। यह जानकारी प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई। वहीं 2 लोगों की मौत हो गई है और कुल मौतों की संख्या 57 पर पहुंच गई है। बता दें कि राज्य भर में लॉकडाउन के साथ अनेक थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में गुरुवार को कोरोना के अजमेर में 4, अलवर में 1, चित्तौड़गढ़ में 3, धौलपुर में 1, जयपुर में 14, जोधपुर में 59 और कोटा में 2 और टोंक में 2 मामले सामने आए हैं। राज्य में सबसे ज़्यादा मौतें जयपुर में हुई हैं। यहाँ मरने वालों की संख्या बढ़कर 32 पहुँच गई है और संक्रमित मरीजों की संख्या 567 है। वहीं दूसरे नंबर पर जोधपुर है जहाँ 362 मामले सामने आ चुके हैं। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान मॉडल का श्रेय लेने की मैंने खुद कभी कोशिश नहीं की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना महामारी से पैदा संकट से निपटने के लिए उनके राज्य में जो भी काम हुए उनका खुद श्रेय लेने की उन्होंने कभी कोशिश नहीं की। सोमवार को मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंस में राजस्थान मॉडल की तारीफ किए जाने के सवाल पर गहलोत का कहना था कि महामारी से निपटने के लिए राज्य में इस दौरान हुए अच्छे कार्यों का श्रेय वह सभी लोगों को देना चाहेंगे, चाहे वह आम नागरिक हो, चाहे वह राजनीतिक कार्यकर्ता हो या वो धार्मिक या सामाजिक संगठन हो। जोधपुर में कोरोना का महाविस्फोट, 24 घंटे में 74 नए पॉजिटिव केस आए। लूनी में भी दी दस्तक। प्रदेश में राजधानी जयपुर के बाद कोरोना के सबसे बड़े हॉटस्पॉट बने जोधपुर में भी संक्रमित मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। जोधपुर में गत 24 घंटे में 74 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इन मरीजों के साथ ही जोधपुर में अब कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 474 तक पहुंच चुकी है। जोधपुर में कोरोना वायरस ने अब शहर से निकलकर ग्रामीण इलाकों में दस्तक देना शुरू कर दिया है। चित्तौड़गढ़ में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 20 हुई, एक की मौत। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में आज संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 20 हो गया, वहीं एक कोरोना मरीज की मौत हो गई है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने जिले के निम्बाहेड़ा में मिले प्रथम कोरोना मरीज की देर रात उदयपुर अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो जाने की पुष्टि करते हुए बताया कि कोरोना के हॉटस्पॉट बने निम्बाहेड़ा में संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ते हुए 20 पर पहुँच गई है।